नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। ये है नाडीफला, तिरोल ग्राम पंचायत के नाडीफला के पास में हम एक बर्गर कौन सा ये महुए के पेड़ के नीचे हम बैठे हैं। और यहीं पर मेघ सिंह जी है, जोत सिंह जी है, लखन राम जी है, इन सब से बात हो रही है कि आज तो लोगों के घरों में गैस के सिलेंडर है, गेहूँ आसानी से मिल जाता है, सारी चीज़ें अवेलेबल है, सब्जियां चाहिए बस स्टैंड पे मिल जाती है, दूध की डेयरी पर दूध मिल जाता है, तो आपके घर के आसपास में सारी चीज़ें अवेलेबल है। लेकिन एक ऐसा समय भी था जब महज 2 किलो ज्वार के लिए, अनाज के लिए और दो दिन तक यात्रा करनी पड़ती थी और लगभग 50-60 किलोमीटर पैदल चलकर जो है वो नया अनाज प्राप्त करना पड़ता था। बात करेंगे इन्हीं से, कैसे क्या कुछ करते थे। पहले ये जो ज्वार है या कदम सरकार चालू की थी, कड़ी वास्ते आपने देवो चालू करी और कटु लाता भूखमरी के हिसाब से आप मतलब जो है यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में अनाज नहीं था और पब्लिक मतलब जो है भूखमरी थी, इसलिए मतलब जो है सरकार की तरफ से सहायता मिली। वो यहाँ से मतलब जो है 20-25 किलोमीटर दूर कितना अनाज मिलता था पर? 2 किलो एक मतलब जो है एक यूनिट पे 2 किलो अनाज मिलता। मतलब अगर आपके घर में 5 सदस्य हैं तो 10 किलो 10 किलो 10 किलो ज्वार मिलती। ज्वार मिलती और वो कहाँ मिलती, कैसे लाते थे? मतलब सिर पे तो मतलब तो के लाते थे, कोई साधन नहीं था लाने का। हाँ, कहाँ मिलती थी? सेमटा गोगुना के, यहाँ से गोगुना जाना था 25 किलोमीटर दूर। आप कैसे जाते फिर? पैदल, और लेकर के भी आप सिर पे रख करके पैदल लाते वापस। आज मतलब सुबह जाते रात को वापस आते लेके, और मान लो वहाँ नहीं मिलती तो पैदल ही वापस आना पड़ता था। जंगल से आप मतलब वृक्ष काट करके मूली का सूखे मतलब वृक्ष काट करके ले जाके बेच करके मतलब परिवार को निभाते थे। जंगल की लकड़ी काट, जंगल की लकड़ी काट के, काट के। हाँ, ऐसा करते थे। कभी ऐसा भी हुआ कि वहाँ गए और मिले ही नहीं और बहुत समस्या का सामना करना पड़ा? जो वो ज्वार मिली नहीं सिमटाल शंकर लाल जी कहते भाई यहाँ पर कोटा तुम्हारा है, जगह भी नहीं है, तो वापस खाली आना पड़ता, वापस खाली आना पड़ता, फिर जाना पड़ता बरवाड़ा। वेरीलाल जी ब्राह्मण था, वहाँ जाता, नेम के नीचे कांटा लगा था, एक यूनिट पर 2 किलो ज्वार देते और 65 रुपया प्रति किलो 65 पैसे। हाँ, 65 रुपये पैसे चार्ज था, मतलब अगर आप ला रहे हैं तो। फिर पैदल आते, पैदल जाते था। अगर 10 किलो हुआ तो 6.5 रुपये देने, 6.5 रुपये 10 किलो के। बारिश के दिनों में कोई तकलीफ आती थी? बारिश के दिनों में तकलीफ आती था तो जंगल में जाते, इतना बनास में जाते, इतना पानी था, 4 फीट पानी में जाते, फिर बाद में अनाज ले वापस इधर नहीं आते। बनास आएगी तो बरवाड़ा से अदनावट, अदनावट से ओडा का गुड़ा बोली की भाकल होके फिर इन लगा घूम करके आते, घूम के करके आते था, वीजा वाला भी वहाँ आते था। तो आप देख सकते हैं ये तमाम लोग हैं जिन्होंने संघर्ष में अपना जीवन गुजारा। एक महज 10 किलो 15 किलो ज्वार के लिए ये कई किलोमीटर की पैदल यात्रा करते, बारिश के दिनों में नदी को पार करते और ऐसे करके इन्होंने अनाज प्राप्त किया और अपने परिवार का पालन पोषण किया।